फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी द कुक। आज हम चौली की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम चौली है, इसे मैंने 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इसे हम कुकर में बनाएंगे। दो टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसमें हम एक टीस्पून रेड डाल देंगे। ये आधा टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जरा सा सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो पर रखेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। चलिए अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। ये 4 बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं। इसमें हम ये 2 स्लिट हुए हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें ये फाइनली चॉप्ड 2 टमाटो ऐड कर देंगे। इसमें हम बिल्कुल जरा सा नमक डाल देंगे, जिससे हमारे टमाटो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे हम टमाटो सॉफ्ट होने तक इसी तरह से भून लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है। चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मैं गैस का फ्लेम लो पर कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गुड़ है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। अब हम इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। चलिए अब हम इसमें ये चौली डाल देंगे। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, इसका हमें ध्यान रखना है। जरा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पानी आप अपने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल सकते हो। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है। हम थोड़ा सा हरा धनिया से भी गार्निश कर देंगे इसकी। सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से एक बार फॉलो करके जरूर बनाइए फ्रेंड्स। ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस चौली की मसाले वाली सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।